आपदा प्रबंधन का दूसरा चैप्टर है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुखार। पहला ऑब्जेक्टिव है कृषि सुखार होता है जल के अभाव में, मिट्टी के नमी के अभाव में, मिट्टी क्षय के कारण, मिट्टी की लवणता के कारण, जल के अभाव में, ऑप्शन ए। सुखार या सूखे के लिए उत्तरदायी कारण कारक है जल वर्षा में कमी, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी क्रिया, जल वर्षा में कमी, ऑप्शन ए। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता, इनमें से सभी, इनमें से सभी, ऑप्शन डी। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, भूटान, बांग्लादेश, ऑप्शन सी। अब देखिए बिहार में बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, या ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ देता है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है, पूर्वी बिहार, दक्षिण बिहार, पश्चिम बिहार, उत्तर बिहार, उत्तर बिहार। तो बिहार का जो है ना बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र, तो इसका सही ऑप्शन आपको हो गया उत्तर बिहार, ऑप्शन डी। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है, उत्तर बिहार, पूर्वी बिहार, दक्षिण बिहार, दक्षिण बिहार, ऑप्शन सी। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग, इनमें से सभी, इनमें से सभी, ऑप्शन डी। सुखार किस प्रकार की आपदा है, प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा, समान आपदा, इनमें से कोई नहीं, प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन ए। बाढ़ क्या है, प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, समान आपदा, इनमें से कोई नहीं, प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन ए। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसलों को, पशुओं को, भवनों को, उपरोक्त सभी को, उपरोक्त सभी को। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है वर्षा जल का संग्रह करना, नदियों को आपस में जोड़ देना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, इनमें से कोई नहीं, वर्षा जल संग्रह करना, ऑप्शन ए। बिहार की बड़ी त्रासदियों में एक है भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़, सुखार, बाढ़, ऑप्शन सी। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, सतलज, सतलज, ऑप्शन डी। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी कौन है, दामोदर, महानदी, गंगा, कोसी, दामोदर, ऑप्शन ए। कुसहा तटबंध किस नदी पर है, गंडक, कोसी, दामोदर, गंगा, कोसी। बिहार के कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है, 38, 30, 15, 7, 38, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन राज्य के सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है, पंजाब, उत्तराखंड, बिहार, गुजरात, गुजरात, ऑप्शन डी। निम्न में किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ ग्रस्त होने की आशंका है, केरल, तमिलनाडु, बिहार, असम, तमिलनाडु, ऑप्शन बी। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, सरदार सरोवर, पंत सागर, नागार्जुन सागर, गोविंद सागर, गोविंद सागर, ऑप्शन डी। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है, अचानक, पूर्व सूचना के अनुसार, धीरे धीरे, इनमें से कोई नहीं, धीरे धीरे, ऑप्शन सी। बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण की योजना है, 4,000 वर्ग फीट, 40,000 वर्ग फीट, 400 वर्ग फीट, 4 फीट, 4,000 वर्ग फीट, ऑप्शन ए। बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए, नदी के जल को दूषित होने से बचाना, नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना, नदी पर मजबूत पुल बनाना, नदी के दोनों ओर घनी बस्तियों बसाना, नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण करना, निर्माण करना, ऑप्शन बी। नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है, जलावन की लकड़ी प्राप्त होती है, पशुओं को चारा मिलता है, प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ता है, बादल आकर्षित होते हैं, बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है, ऑप्शन डी।
आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है? मोबाइल टावरों, ट्रांसमिशन टावरों का टूटना, सड़कों का जहाँ तहाँ ध्वस्त होना, समय पर विदेश से धान की प्राप्ति न होना, महामारी फैलना। मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूटना। ऑप्शन ए। इससे होता है क्या कि कोई सूचना संचार बाधित हो जाता है।